हेलो फ्रेंड्स, मैं जमील खान और हमारे चैनल जमील ऑटो वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास एक यामाहा FZ आई है, जिसमें प्रॉब्लम ये कि वो गाड़ी स्टार्ट होने में बड़ी दिक्कत कर रही है, और स्टार्ट होती तो झटका लेकर के धुक धुक करके बंद हो जा रही है। तो वो मेरे पास आई है, और इसमें मैंने क्या किया, किस तरीके से मैंने फॉल्ट पकड़ा, किस तरीके से मैंने इसको सही किया है, तो ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो बाइक, और इसमें प्रॉब्लम है ये कि स्टार्टिंग दिक्कत कर रही है, और स्टार्ट भी होती तो झटका ले करके डुक डुक करके बंद हो जा रही है। तो इसका सबसे पहले तो मैंने इसका स्पार्क प्लग चेक किया, स्पार्क प्लग सही था। तो अब इसमें मुझे कार्बोरेटर में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने कार्बोरेटर खोल लिया है, और कार्बोरेटर खोलने के बाद देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है, बहुत कचड़ा जमा हुआ है। तो अब इसको सफ़ा कर रहे हैं, देखिए कितना कचरा हुआ चारों तरफ से लगा हुआ, और इसके अंदर भी बहुत काली के बहुत कचरा जमा हुआ है। तो इसका कायदे से कार्बोरेटर साफ करते हैं। साफ करने के बाद अब ये स्लाइड भी इसकी खोल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हो सकता है कचरा जमा होगा, और इसको भी खोल करके फिर इसकी धुलाई करके कायदे से साफ करके फिर इसको बांधेंगे। तो इसके जेड भी खोल के सफा करेंगे, छोटे बड़े, एक स्लो जेड होता है, एक मेन जेड होता है, और छोटा बड़ा जेड भी आप बोल सकते हैं उसको। तो ये देखिए खुल गया स्लाइट, और देखिए इसके अंदर की काफ़ी कालिक जमा हुई है इसमें। तो इसको भी अब कायदे से सफ़ा कर लेते हैं। सफ़ा करने के बाद फिर इसको बांधेंगे, और फिर चेक करेंगे कि बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं स्टार्ट होती, कोई दिक्कत है या नहीं है। तो इसको बांधने के बाद ही चेक हो पाएगा। तो इसको पहले से धुल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत गंदा है, धुलने के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा। और अच्छे से धुलेगा तभी बाइक भी सही चलेगी, क्योंकि अंदर कचड़ा होगा तो दिक्कत करेगा। तो कार्बोरेटर धुल चुका है, अब ये इसके जो पार्ट सारे, ये पार्ट भी धुल लेते हैं। पार्ट धुलने के बाद फिर उसके बाद इसको कपड़े से पोंछ करके फिर इसमें एयर वगैरह मार के फिर असेंबल करेंगे। ये देखिए कार्बोरेटर धुल चुका है, सफ़ा हो चुका है, और अब इसमें कपड़े से पोंछ करके इसको इसमें एयर मारेंगे। एयर मारने के बाद फिर इसको असेंबल करेंगे, फिर उसके बाद बाइक में टाइट करेंगे इसको। तो अच्छे सफा हो गया, देखिए एकदम नया जैसा हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, धुलाई तो बढ़िया से हो गई है। अब इसको कपड़े से पोंछ करके फिर इसका स्लो जेड खोलेंगे। स्लो जेड खोलने के बाद इसको सफ़ा करेंगे स्लो जेड को, फिर एयर भी मारेंगे इसमें, उसके बाद इसको बांधेंगे। ये स्लो जेड है, इसके अंदर होता है, पतले पेचकस से खुलता है। इसका स्लो जेड काफ़ी जाम है, खुल नहीं रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब इसको मैं ऐसे ही पहले सफ़ा कर लेता हूँ कपड़े से, उसके बाद एयर मार करके सफ़ा करूँगा, उसके बाद फिर बांध दूँगा, क्योंकि बहुत जाम है। अगर इसको ज़बरदस्ती करेंगे तो ये टूट भी सकता है, जेड ख़राब हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। तो मैं ऐसे ही एयर मार करके इसको साफ़ करके बांधता हूँ, क्योंकि इसको खोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टूट भी सकता है। मैंने इसको साफ़ कर लिया, ऐसे ही एयर मार लिया, इसमें कायदे सफ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको असेंबल करते हैं। देखिए मेन जेड इसको ये टाइट कर लेता हूँ, ये मेन जेड इसको बोलते हैं, जो बड़ा जेड होता है उसको मेन जेड बोलते हैं। तो इसको टाइट कर लेता हूँ, और ये देखिए फ्लूड पिन है, और ये फ्लूड में लगा करके फिर इसमें लगता है। तो इसको अब फिट कर लेते हैं, पूरे पार्ट असेंबल कर लेते हैं। तो कार्बोरेटर खोलते या बांधते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो ये फ्लूड बिन में लगाई है, कभी कभी तेल बहने लगता है कार्बोरेटर से। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही तो आपको यही खोलना है फ्लूड बिन। तो कभी कभी ये ख़राब होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अंदर कचड़ा फंस जाता है। जब कचड़ा फंस जाएगा तब भी ये दिक्कत आएगी, तेल बहने लगेगा। तो इसका ध्यान रखिए, कभी अगर ऐसी दिक्कत आती तो फिर इसी खोल करके कार्बोरेटर धुल लीजिए, और इसके अंदर जो कचड़ा होगा उसको सफ़ा करके बांध दीजिएगा, सही हो जाएगी। और ये है स्लाइट, ये स्लाइट है, और इसको बांध देते हैं। अब कभी कभी ये जब गाड़ी में कट जाती है किसी कार्बोरेटर की, तो दिक्कत ये आती है कि गाड़ी तेल भी ज़्यादा पिएगी, और स्लो रनिंग में सही से स्पीड सेट नहीं होगी, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, और कभी कभी बंद भी होने लगेगी। तो रेस की जो एक्चुअल RPM की सेटिंग है वो लो सेटिंग पे सही नहीं आएगी।
अब ये कैप है नीचे की, कैप को टाइट कर लेते हैं, बांधने के बाद फिर इस गाड़ी में बांधते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें ताकि नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब ये देखिए बाइक में टाइट कर रहा हूँ, ये जो है चोक केबिल है, तो इस चोक केबिल को टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद फिर दो इसमें एक्सीलेटर केबिल लगते हैं, उसको टाइट करेंगे और हाउस पाइप का क्ली वगैरह टाइट करके पेट्रोल पाइप लगा के फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें बांध दिया मैंने एक्सीलेटर केबिल, इसके दोनों टाइट करना बचा है। अब इसके देखिए दोनों एक्सीलेटर केबिल टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद पेट्रोल पाइप लगाने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अब इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे ताकि ये खुले नहीं कहीं, अगर खुल जाएगा तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। तो इसको टाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बाइक स्टार्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों कार्बोरेटर धुलते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो ओरिंगे कार्बोरेटर में लगे होते हैं उसको पेट्रोल ना डुबाए, नहीं तो दिक्कत ये आ सकती है कि वो फूल सकती है, फूल जाएगी तो फिर फिट नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए बाइक स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है, किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं है, बाइक सही हो चुकी है। अब एकदम ठीक है बाइक, बढ़िया चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त स्टार्टिंग है और बढ़िया से पिकअप ले रही, कोई दिक्कत अब इसमें नहीं। इसमें वही कार्बोरेटर की प्रॉब्लम थी, कार्बोरेटर बहुत ज़्यादा गंदा होने के कारण ये दिक्कत आ रही थी, तो उसी तरह से आप लोग भी सही कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।